नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज देश विदेश की कुछ खास सुर्खियों पर। दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आज हुआ पद्म पुरस्कारों के सम्मान समारोह का आयोजन। मुलायम सिंह यादव को मिलेगा पदवी भूषण सम्मान। बेटे अखिलेश यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौंपेंगी सम्मान। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। नेताओं को राहुल ने दी हिदायत, कहा चुनाव से पहले आपसी मुद्दे सुलझा लो। 10 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने जारी किए अब तक 164 उम्मीदवारों के नाम। राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया नया पोस्टर जारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्ट पार्टी करार देने का किया प्रयास। पोस्टर पर लिखा, आपके करप्ट चोर मचाए शोर। तेलंगाना मोदी के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और पुलिस का विरोध करने लगे। बीजेपी ने बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी। भारत में रामनवमी पर हिंसा को लेकर OIC ने दिया बड़ा बयान। OIC ने कहा, महासचिव इन उकसाने वाले हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं। भारत में मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। OIC भारत से इन हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। भारत मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अधिकार के साथ मर्यादा की रक्षा करे। अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक के दौरान एक सीनियर ISIS कमांडर को मारने का किया दावा। यूरोप में आतंकी हमलों की प्लानिंग के लिए था जिम्मेदार। इसकी मौत के बाद IS के लिए यूरोप में हमले की साजिश रचना हो जाएगा मुश्किल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस के अलावा 19 और मामले दर्ज। पूर्व प्रेसिडेंट पर हिंसा और चुनाव में धांधली के लगे हैं आरोप। रेप मानहानि जैसे आरोपों के साथ कई आरोप हुए हैं खुलासे, पर अभी तक एक केस की भी नहीं मिली कोई सजा। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़े खबरों की। हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले बुजुर्गों ने जताया हरियाणा सरकार को धन्यवाद। बता दें कि बुजुर्गों का कहना है कि अब उनका हरियाणा रोडवेज की बस में आधा किराया लग रहा है। वहीं लोग सरकार की इस नीति से काफी खुश भी हैं कि सरकार बुजुर्गों का सम्मान कर रही है। दरअसल बस कंडक्टर का कहना है कि वे बुजुर्गों से उनका ID प्रूफ कार्ड देखकर 50% की रियायत टिकटों पर दी जा रही है। वहीं 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का किराया आधा कर दिया गया है। आधा किराया लिया जी मेरे से कॉल। तो गवर्नमेंट के रूल से खुश है, लाभ आपको मिल रहा है? लाभ मिल रहा है जी। मैंने तो अपना कार्ड भी बनवा रखा है। तो क्या चीज दिखाई थी, क्या ID आपने दिखाई थी? जो मैंने ये सीनियर सिटीजन कार्ड जो गवर्नमेंट ने बना के दी, आधा आधा किराया लिया गया आपसे। क्या कुछ ID आपको दी गई है? कार्ड दिखाया। कौन सा कार्ड दिखाया? आधार कार्ड दी। तो गवर्नमेंट के जो ये रूल है, तो काफी लाभ आपको मिल रहा है इससे? खुश हो रहे। जो 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, लेडीज की तो 60 साल पहले कटेगी गई, और जो जेंट्स है उनकी भी कट रही है। तो अपना आधार कार्ड से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गवर्नमेंट के पास वास कोई अभी इशू नहीं? अभी कोई इशू नहीं हुआ। हालांकि कर रहे हैं जो भी उनसे मांगे हैं कागज, वो जमा कर देंगे तो उनके एक कार्ड बन जाएगा रोडवेज की। हरियाणा में बीते दिनों प्रदेश भर में बारिश के साथ ओलों की मार किसानों पर भारी पड़ी। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में करीब 7.5 लाख एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसान मुआवजे के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। बता दें कि आर्थिक संकट के बीच फंसा किसान अपनी फसल को काटकर मंडी में भी नहीं ले जा पा रहा है। वहीं सरकार भी किसानों से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर फसल खराब के बारे में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील कर रही है, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। अगर अकेले करनाल जिले की बात की जाए तो पोर्टल पर 50,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि आने वाले दिनों में 1 लाख तक पहुंच सकता है। फरीदाबाद में अब घर मकान दुकान खरीदना हुआ और भी महंगा। जिले के अलग अलग हिस्से में मकान और
प्लॉट खरीदना 4 से 66% तक महंगा हो गया है। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से सर्किल रेट को मंजूरी दे दी गई है। वहीं डीसी विक्रम सिंह ने सर्किल रेट की लिस्ट पर साइन भी कर दिए हैं। इसे बुधवार यानी आज अपलोड कर रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी। दरअसल फरीदाबाद के 5 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर 29 से 42% तक सर्किल रेट बढ़े हैं। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी कुछ यही हाल है। फरीदाबाद हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सुनील खटाना राज्य प्रधान, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन और राज्य के महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंडल कमिश्नर फरीदाबाद के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों की मांगों का 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के कर्मचारियों ने शहर में रोष प्रदर्शन के माध्यम से जुलूस निकालते हुए मंडल कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर महोदय की अनुपस्थिति में कार्यालय के सुप्रिटेंडेंट संजय जैन को अपना ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व सरकार ने कर्मचारी वर्ग से जो वादे किए थे, सरकार उनसे विपरीत काम कर रही है। करीब 9 महीने पहले रात के समय शौच करने के लिए गई बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भी बच्ची का आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने फरीदाबाद सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज वहां पर शौचालय तक भी नहीं बनवाया गया। इतना ही नहीं, अभी आरोपी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रशासन के डोलमोल रवैये से लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं एडीसी अपराजिता ने लोगों से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी और वहाँ पर शौचालय का निर्माण भी जल्द ही किया जाएगा। 11 साल की मासूम बच्ची को क्योंकि शौचालय बंद होने के कारण रेलवे लाइन पर ट्रैक पर शौच करने जाना पड़ता है और शाम का समय है। रक्षाबंधन के दिन उसकी माता राखी वगैरह बांधने के लिए गई हुई है। घर पे बच्ची जब शौचालय करने जाती है तो पता लगता है कि बच्ची घर नहीं पहुंची है, ढूंढा जाता है तो पता लगता है कि उसकी बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई है। 9 महीने बीत जा, मस्ती के लोगों को लगातार पुलिस ने वहां से घरों से निकाल निकाल के इतनी बुरी तरह से मारा पीटा है। हमने फिर भी चुप रहे हैं कि शायद अपराधी पकड़ने का तरीका हो, भय दिखा करके किस तरह से अपराधी मिल जाए, तब भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। आज तक हम मांग करते रहे कि शौचालय को चालू किया जाए ताकि दोबारा से ऐसी घटना दोबारा ना घटे। आज भी बहन बेटियां मुझे सर कम्युनिटी सेंटर के साथ में ही है और आज तक बार बार डीसी साहब से भी कह दिया, सीपी साहब से भी कह दिया, इसी सब साहब आज तक क्या बजट नहीं है शौचालय को मरम्मत करा लिए, सिर्फ बना हुआ है। अगस्त के 11 अगस्त को आजाद नगर की झुग्गी में एक घटना हुई, एक 11 साल की मासूम बच्ची, वहां का शौचालय खराब है, सुलभ शौचालय काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है जिसकी वजह से वहां की बच्चियों की वहां की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। रक्षाबंधन वाले दिन उस लड़की के पिता नहीं है, वो उसकी माँ है, किराए पे वहां रहती है। वो जो है माँ कहीं गई थी, वो शौचालय पे ट्रैक पे शौच के लिए गई रात के लगभग 8:30 या 9 बजे के करीब। वहाँ पे उस बच्ची के साथ निशंस रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये थी देश दुनिया और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।